स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपन स्टडी कर रहे थे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की। उसमें भी जो अपना फर्स्ट चैप्टर था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। कल अपन ने स्थिर वैद्युतिकी में आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल कैसे हैं, किस प्रकार से एक क्षण धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, किस प्रकार से हमें कभी कभी अपने हाथ पर या शरीर पर आवेश के कारण एक शॉक फील होता है या झटका महसूस होता है, और इसके बाद अपन ने चर्चा करी थी आवेश के मात्रक पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। छोटे मात्रकों में माइक्रो कूलम्ब आ गया, नैनो कूलम्ब आ गया, पिको कूलम्ब आ गया, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है उसमें स्टेट कूलम्ब आ गया, एफ कूलम्ब आ गया। इसके अलावा अन्य मात्रक की बात करूं तो एम्पियर और सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड भी इसका मात्रक होता है। इसके अलावा फैराडे भी एक अन्य मात्रक होता है और एक कूलम्ब बराबर होता है 96500 कूलम्ब के बराबर, 6500 कूलम्ब के बराबर क्या होता है, एक फैराडे होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत जिसका नाम है आवेशन की प्रक्रिया। तो अपना आवेशन की प्रक्रिया, इसमें जो पहली प्रक्रिया है वो है घर्षण द्वारा आवेश, दूसरी प्रक्रिया है चालन या स्पर्श द्वारा आवेश, और तीसरी प्रक्रिया है प्रेरण द्वारा आवेश। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तीन प्रक्रियाएं हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी वस्तु को या किसी भी पिंड को आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, घर्षण के द्वारा भी आवेशित किया जाएगा जिसके बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन पढ़ेंगे चालन या स्पर्श के द्वारा भी किसी वस्तु को क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, और प्रेरण के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन बोले तो प्रेरण, इंडक्शन बोले तो प्रेरण। ठीक है, इन तीनों के बारे में, इन तीनों को आप उतारिए पहले। क्लास चालू कर दी मैंने। चैप्टर फर्स्ट है ये विद इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसके अंदर जब अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ें पढ़ी जाती है। मतलब ये जो, मतलब एक तरीके से जो ये चल रहा है ना, ये बेसिक के अंदर आ रहा है। ये किसके अंदर आ रहा है, बेसिक के अंदर आ रहा है। जब अपन इसे आगे पढ़ेंगे तो आगे नेक्स्ट चैप्टर से अपन स्टार्ट कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है ना, ये एक तरीके से इतना बेसिक है कि जो फर्स्ट के जो चार चैप्टर हैं कौन कौन से, विद्युत क्षेत्र हो गया, गाउस का नियम हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया और संधारित्र हो गया, ये चारों के चारों इसी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि यूनिटों में डिवाइडेड हैं। ये किस में डिवाइड है, यूनिटों में। हाँ, ये एक यूनिट है चारों चैप्टर के मिला के, उस यूनिट को बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रो स्टेटिक्स। ये है दूसरे जो तीन चैप्टर आएंगे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा हो गया, विद्युत परिपथ हो गया और विद्युत धारा के प्रभाव हो गया, ये दूसरी यूनिट में आएंगे। फिजिक्स की बुक है क्या, लाया है क्या कोई फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री किसी की बुक नहीं है अभी घर पे, घर पे भी नहीं है क्या।
लिख लिया ये? इसमें फर्स्ट हेडिंग्स डालिए घर्षण द्वारा आवेश। फर्स्ट लिखिए घर्षण द्वारा आवेश, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेश में क्या होगा नमन? आवेश कैसे उत्पन्न होगा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। यानी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनसे क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है, और उस आवेश के उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत उत्पन्न होगा। तो उस विद्युत को क्या बोलेंगे? घर्षण विद्युत बोलेंगे। यानी कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो उनसे उत्पन्न विद्युत को कौन सा विद्युत बोलेंगे? घर्षण विद्युत बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही दो वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ा तो एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होते हैं? दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे कांच की छड़ को मैंने रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो कांच की छड़ के मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? रेशम के कपड़े में चले गए। तो रेशम का कपड़ा तो क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया, और कांच की छड़ क्या हो गई? धनावेशित हो गई। क्यों हुआ भाई ऐसा? क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में तो दोनों क्या थे? अलग अलग थे। दोनों पर कोई आवेश थोड़ी था, कोई आवेश नहीं था। इसका मतलब क्या? कोई आवेश नहीं था भाई, कांच की छड़ में कोई आवेश नहीं था, रेशम के कपड़े में भी कोई आवेश नहीं था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोनों उदासीन थे, अर्थात दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर बराबर थे। लेकिन जैसे ही मैंने उनको एक दूसरे पर रगड़ा तो क्या हुआ कि जो कांच की छड़ है उससे कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ को ट्रांसफर हो जाते हैं? रेशम के कपड़े में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कांच की छड़ में क्या बचेगा? बिल्कुल पॉजिटिव बचेगा, और रेशम के कपड़े में क्या बचेगा? नेगेटिव बचेगा, क्योंकि कांच की छड़ के नेगेटिव से उस रेशम के कपड़े के पॉजिटिव क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं ना, निरस्त हो जाते हैं। समझ में आया या नहीं आया ये चीज? आ गया ना? बस यही चीज है, क्योंकि ऐसा करने पर किसी एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। लिखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनसे उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। क्योंकि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित
हो जाते हैं। उदाहरण, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। आगे भाई, घर्षण द्वारा आवेश, घर्षण के कारण आवेश हो गया, घर्षण के कारण आवेश आ गया। वो जो रोहित था ना, कल रोहित आया था, उसको फोन की पेट दर्द कर रहा है क्या? उसका पेट दर्द कर रहा है। उसने तो यार ट्यून ही ऐसी लगा रखी थी, तुमने एक शेर को फोन किया है, शेर अपनी मर्जी से फोन उठाता है। आनंद है कौन? अरे हाँ यार, आनंद नामा। मैंने कहा गजब है यार, शेर अपनी मर्जी से ही फोन उठाएगा और नहीं उठाएगा तो फोन काट देगा। वैसे तो शेर से बात करने के लिए दुनिया तरसती है, हम अपनी मर्जी से फोन भी नहीं उठाया। फिर उसने मैंने कहा भाई शेर से बात कर रहे, उठा के एक दबोच ले, कर ले यार। हाँ, खतरनाक माहौल है भाई। दूसरी प्रोसेस, चालन या स्पर्श द्वारा आवेश, यानी कि चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। लिखो इसमें पहले दो लाइनें लिखनी है केवल, संपर्क में स्थित, ये लिखो पहले, चालन या स्पर्श द्वारा आवेश, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाता है। छोटा सा डायग्राम में ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो है अनावेशित और ये है धनावेशित।
ठीक है, संपर्क में वस्तुएं, ठीक है, और दोनों धनावेशित, दोनों धनावेशित, ये जो है ये है कुचालक आधार या कुचालक स्टैंड, ठीक है ना, साइड में लिख लेना इसे, कुचालक आधार या कुचालक स्टैंड, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सीधे आवेश का ट्रांसफर या सीधे आवेश का स्थानांतरण क्या कहलाएगा, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक एक धातु का गोला है जो क्या है, अनावेशित है, एक और धातु का गोला है जो क्या है, धनावेशित है। इन दोनों धातुओं के गोलों को किस पर रख रखा है, कुचालक स्टैंड पर रख रखा है, क्लियर है भाई। एक अनावेशित है, एक धनावेशित है, दोनों को कुचालक स्टैंड या आधार पर रख दिया। दूसरे फोटो में मैं इन दोनों गोलों को क्या करता हूँ, एक दूसरे के संपर्क में ले आया, एक दूसरे से क्या करवा दिया, स्पर्श या टच करवा दिया। स्पर्श क्यों, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्श द्वारा आवेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब जैसे मैंने इसको यहां से स्पर्श कराया तो ये जो संपर्क सतह है, कौन सी, ये वाली जो संपर्क सतह है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है, अनावेशित में क्या है भाई, ये उदासीन है ना, इस उदासीन में क्या है, यहां पर न्यूट्रॉन कहां से आएंगे यार, धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। मैंने ये बात 10 बार बोल दी, समान मात्रा में धन मतलब जिस पर कोई भी आवेश नहीं है यानी कि वो उदासीन है, वहां पर समान मात्रा में धन आवेश है और समान मात्रा में ऋण आवेश है, ठीक है। इस पर तो क्या है, केवल और केवल धन आवेश है, इस पर धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है, ठीक है। जैसे मैं इसे कॉन्टेक्ट में लाया, संपर्क इनकी संपर्क सतह पर क्या है, जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, यानी कि जो मुक्त ट्रांसफर किसका होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही, तो धन आवेश का थोड़ी होता है ट्रांसफर, तो यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ को चले जाएंगे, और यहाँ को जाने के बाद वह इन कुछ धन आवेश से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। भाई यहाँ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल कर यहाँ चले जाएंगे, संपर्क में आते ही वो ऋणावेश इसके धन आवेशों को क्या करेगा, निरस्त करने का काम करेगा। अब इस पर भी, इस पर केवल कौन सा आवेश बचेगा, धन आवेश, और इस पर तो धन आवेश है ही सही, ठीक है। तीसरे डायग्राम में क्या कर दिया मैंने, इनको अलग अलग कर दिया, तो दोनों वस्तुओं पर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया, हो गया स्पर्श द्वारा आवेशन, हो गया ना, क्लियर है भाई। देखो एक चीज वो होती है कि अपन कुछ पूछ नहीं पाते, ठीक है ना, आप देखे जाओ मैं आपको क्या क्या करवाता हूँ अभी, आज ही में अगर अपन वहाँ पहुँचे तो RPET और AITEE में आया हुआ क्वेश्चन अभी करवाता हूँ मैं तुझे, तुम्हें दो मिनट में, ये समझ में आया नहीं आया, एक बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, अपन को ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कोई भी हो, कितना भी इंटेलिजेंट बंदा हो और कितना भी मतलब कम पढ़ने वाला हो, कभी भी टीचर के लिए इंटेलिजेंट और कम पढ़ने वाला अलग अलग नहीं होता है भाई, ध्यान रखना इस बात का। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछना, शर्म नहीं करना है, क्योंकि यदि आज आपने शर्म कर ली ना तो कल आपको डेफिनेट पर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है, ये चीज़ें बार बार अभी अपन आगे पढ़ेंगे। आवेश गोले के अंदर है, आवेश गोले की सतह पर है, आवेश गोले के सेंटर बिंदु पर है, अरे भाई कहाँ से हैं, अपन आवेश ही नहीं पढ़ा है तो सेंटर पे और सतह से बाहर कैसे लाएंगे उसको, पहले इनकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इस पर तो धन आवेश है या इस पर ऋण आवेश भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आवेश हो सकता है, लेकिन जहाँ कोई भी आवेश नहीं होता वहाँ पर समान धन होते हैं और समान ही ऋण होते हैं, यानी कि समान प्लस और समान माइनस। जैसे ही मैं इन दोनों को संपर्क में लाया, एक दूसरे से टच करवा दिया, तो यहाँ माइनस थे, कुछ माइनस थे, वो माइनस इन प्लस की तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, माइनस प्लस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यहाँ पर केवल और केवल क्या बचेगा, प्लस प्लस ही बचेगा। फिर इन दोनों गोलों को क्या कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया, ठीक है, लिख लिया अपन ने, बस इस डायग्राम के माध्यम से मुझे समझाना था, ये डायग्राम बना लीजिए आप। हाँ
मतलब उससे नहीं, ये तो मैंने धनावेश का चिन्ह लगा रखा है, इस पर पूरे के पूरे धनावेश हैं। अब वो 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मतलब प्लस 10 गुलाम, प्लस 5 गुलाम, प्लस 20 गुलाम, कितने भी हो सकते हैं। बना लिया, बना लिया भाई सबने, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, लिखो सबसे पहले वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेश कहलाती है। लिख लिया, यानी कि वह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी एक आवेशित वस्तु है किसी दूसरी अनावेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। यानी कि माइनस से कौन सा प्लस, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेश कहलाती है। माइनस के द्वारा अपन ने क्या उत्पन्न कर दिया, प्लस उत्पन्न कर दिया। ये तो क्या थी, आवेशित वस्तु थी, और ये क्या थी, अनावेशित वस्तु थी, और ये इसको क्या है, स्पर्श नहीं करेगा। यानी कि एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। ध्यान से देखना, मेरे पास एक अनावेशित धातु का गोला है। अनावेशित का मतलब समान मात्रा में प्लस और समान मात्रा में माइनस। अनावेशित धातु का गोला है जो किस पर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि इस धातु के गोले के पास एक ऋणावेशित छड़ को लेकर आता हूँ। ध्यान से देखना, इस धातु के गोले के पास एक ऋणावेशित छड़ को लेकर आता हूँ जो इसको स्पर्श नहीं करती है। ये ऋणावेशित छड़ मैं इस गोले के पास लेकर आया और ये छड़ इस गोले को स्पर्श नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तीसरे डायग्राम में क्या होगा
कि ये जो ऋणावेशी छड़ है इस अनावेशित गोले के धन आवेश को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, यानी कि इसके अंदर समान मात्रा में धन आवेश है और समान मात्रा में ऋणावेश है, तो ये माइनस वाली छड़ इस अनावेशित गोले के धन आवेश को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इस धातु के गोले के धन आवेश तो किधर आ जाएंगे, एक साइड पर आ जाएंगे, और माइनस किधर चले जाएंगे, दूसरी साइड पर चले जाएंगे। भाई माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तो माइनस माइनस तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस छड़ के माइनस के द्वारा इस धातु के गोले के माइनस तो दाहिनी साइड पर चले जाएंगे और धन किधर आ जाएंगे, बाईं साइड पर एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी डायग्राम में इस धातु की छड़ को भूसंपर्कित किसी चालक तार से क्या कर दिया मैंने, भूसंपर्कित कर दिया, यानी कि अर्थिंग कर दिया। इस डायग्राम में मैंने क्या करा कि इस धातु के गोले को एक चालक तार से क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, भूसंपर्कित इस प्रकार से। कहा गया वो, ये अर्थ ही है भाई, ध्यान रखना, ये लोहे की कील है, इसको मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर अर्थ कर रखा है। यहाँ पर अर्थ हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ब्लर की आवाज़ नहीं आए, किसकी ब्लर की आवाज़ नहीं आए। ठीक है, आजकल के आपने जो नई बिल्डिंग्स जितनी भी बनती है प्रॉपर्टी डीलिंग में, नई नई बिल्डिंग जितनी भी बनती है, उनमें कंपलसरी है कि आप अपनी बिल्डिंग को क्या प्रोवाइड करवाओगे, अर्थिंग प्रोवाइड करवाओगे। नीचे एक लोहे की रोड डाली जाती है बिल्डिंग बनते समय पर, क्यों, क्योंकि यदि बरसात के दिनों में या किसी फॉल्ट के कारण यदि करंट फेल जाए बिल्डिंग में, तो वह सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, उस धरती में चला जाएगा और बिल्डिंग में करंट नहीं फैलेगा। ये बहुत अनिवार्य चीज़ हो गई है बड़ी बड़ी सिटियों में आजकल। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि ये जो माइनस था जो इसके दूसरे साइड पर था, वो उसको किसी चालक तार के द्वारा क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो उस चालक तार के द्वारा संपूर्ण ऋण आवेश कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब अगले डायग्राम में मैं क्या करता हूँ कि इस छड़ को हटा लेता हूँ, तो इस पर केवल और केवल कौन सा आवेश बचेगा, धनावेश बचेगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक आया या नहीं आया अजर, एक बार और बताऊँ। ये धातु का अनावेशित या उदासीन गोला है, इस गोले के अंदर क्या क्या है, धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। मैं इस धातु के गोले के पास एक ऋणावेशी छड़ को लेकर आया, ये ऋणावेशी छड़ इसको स्पर्श नहीं करेगी, स्पर्श नहीं कराना है, इसको टच नहीं करवाना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस छड़ को इसके पास लेके आया, तो इसके जो धनावेश हैं वो तो इसकी तरफ आकर्षित होंगे, यानी कि इसके इस साइड पर संपूर्ण धनावेश आ जाएगा, और इसके जो माइनस थे वो दूसरी साइड पर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, इसके माइनस से इस गोले के माइनस प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तीसरे डायग्राम में क्या किया, मैंने इस धातु के गोले को किसी चालक तार से जोड़कर जमीन में प्रोवाइड करवा दिया, अर्थ प्रोवाइड करवा दिया, यानी अर्थिंग कर दी, तो संपूर्ण जो इस साइड पे ऋणावेश था वो ऋणावेश कहाँ चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इस पर केवल और केवल कौन सा आवेश शेष रह जाएगा, धनावेश शेष रह जाएगा। यही तो मैंने लिखाया कि एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करा देना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। लिखो इसमें अब आगे आप, अरे भाई समझ में आ गया ना, बोल देना यार, मन में नहीं रहनी चाहिए कोई भी बात। ठीक है, नीचे से अर्थ देते हैं वो, अर्थिंग प्रोवाइड करवाते हैं वो, करंट ना फैले, वो प्रैक्टिकल में है, वो प्रैक्टिकल में होता है, सॉल्वेंट के अंदर होता है वो। अर्थ तो जमीन को प्रोवाइड करवाया जाता है, अर्थ तो जमीन को, यानी कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जमीन को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसमें लिखो आप, एक अनावेशित धातु का गोला, एक अनावेशित धातु का गोला कुचालक स्टैंड पर, एक अनावेशित धातु का गोला कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, रखा हुआ है, इस गोले के पास, इस गोले के पास जब
एक ऋणावेशित छड़ को इस गोले के पास जब एक ऋणावेशित छड़ को लाया जाता है, ऋणावेशित छड़ को लाया जाता है जो इसे स्पर्श नहीं करती है, जो इसे स्पर्श नहीं करती है, लाइन छोड़ के लिखना, तब धातु के गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण गोले के दाईं सतह पर विस्थापित हो जाते हैं तथा बाईं सतह पर उतनी ही मात्रा में धनावेश एकत्रित हो जाता है। बाईं सतह पर उतनी ही मात्रा में धनावेश एकत्रित हो जाता है अब गोले को किसी चालक तार के द्वारा भूसंपर्कित कर दिया जाए भूसंपर्कित कर दिया जाए तो दाईं सतह पर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन दाईं सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भूमि या धरती में प्रवाहित हो जाते हैं। लास्ट लाइन लिखो, अब यदि गोले का भूसंपर्क तोड़ दिया जाए और ऋणावेशित छड़ को भी हटा लिया जाए तो धातु के गोले पर
केवल क्या शेष रह जाएगा? धातु के गोले पर केवल धनावेश शेष रहता है, धनावेश शेष रहता है। क्लियर है भाई? आ गया समझ में? ठीक है। इसके बाद अपन जो आवेशों के गुणधर्म होते हैं, जैसे विद्युत आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षण का मतलब विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत कैसे होता है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी बायोलॉजी की क्लास है, बायोलॉजी के मैम आ चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल वापस एक नई ऊर्जा एक नई एनर्जी के साथ इसी स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त।